तो आज डेट है 28/9/22। तो आज ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का हम लास्ट लेक्चर लेने वाले हैं, जिसके अंदर बस एक टॉपिक बच रहा है। बताओ कौन सा बच रहा है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यहां से हम शुरू करेंगे। इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, मतलब ना इससे क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, उठ जाते हैं डायरेक्ट, सीधे सीधे क्वेश्चन होता है। हार्ड टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है मैम। लोग रात को रात भर मैसेज करे अपने डाउट को लेके, यार नहीं यहाँ ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना यार, मैम स्क्रीन तो शेयर करो। अच्छा स्क्रीन ही शेयर नहीं करी मैंने, अरे टीचर डे पे बायो का मैम बना था। अच्छा समीर ऐसा, हाँ मैम बन जाओ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। समीर को कोई शिकायत नहीं है, ठीक है ठीक है। चलो अभी पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में क्या है कि मतलब देखो अभी ना लड़ना वड़ना नहीं, आपस में मेरी बात सुनना। अगर कोई लड़ना चाह रहा हो अभी एक दूसरे से वो बाद में करना, पहले मेरी बात सुनना ठीक है। देखो क्या होता है कि आपन इतनी सारी स्टोरीज पढ़ी जीन के बारे में, सब कुछ इतना पढ़ लिया और डीएनए के बारे में पढ़ लिया, तो वो क्या कर रहा है कि अगर कोई भी जीन है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस तो करेगा, अपना कोई कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, अपना कोई रिजल्ट देगा ठीक है। तो आज हम ना इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कोई चीज अपना रिजल्ट कैसे दिखा रही है, कोई चीज उसको या तो उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है या उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है। यानी कोई रिजल्ट, कोई जीन अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस कर रहा है कि भैया किसी का फंक्शन स्टार्ट हो जा रहा है, या कोई जीन अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस कर रहा है कि उसका फंक्शन बंद हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम सबके बारे में नहीं पढ़ने वाले, हम कुछ ही चीज है जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हाय सुप्रिया, हाय कोमल, म्यूजिक टीचर, नाइस। गाना आता है फिर आपको? इन यू कैरियोट्स रेगुलेशन कुड बी एक्सप्रेस्ड एज, देखो अभी जो रेगुलेशन है ना, अच्छा ठीक है, कभी आपसे फिर गवाएंगे हम। हाय साक्षी, हाँ अब लड़ना नहीं। देखो तो अब ये जो यूकेरियोट्स का रेगुलेशन है ये कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, तो ना चार पॉइंट्स हैं, चार स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है। तो पहला जो स्टेप है वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, पढ़ा था याद है आपको? ट्रांसक्रिप्शनल यानी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्लियर है सबको? पहला याद रख लो कि यार ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा याद रखो, ट्रांसक्रिप्शन हो गया है तो फिर उसकी प्रोसेसिंग भी करी थी अपन ने। तो दूसरी चीज है प्रोसेसिंग लेवल, यानी जिसके अंदर प्रोसेसिंग में अपन ने पढ़ा था स्प्लाइसिंग वगैरह होती है, मतलब जो फालतू चीजें होती है एग्जॉन इंट्रॉन्स के बारे में याद है? अंजलि और समीर एक घर में रह रहे थे, तब अंजलि ने समीर को बाहर निकाल दिया था, वो थी स्प्लाइसिंग ठीक है। फिर थर्ड जो चीज है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ये भी पढ़ा था कि भैया जब हमारा mRNA पूरा बन चुका है तो उसको बाहर तो निकालेंगे, तो mRNA बाहर आता है। तीसरा फिर ट्रांसलेशन करवाते हैं जो हमने कल ही करा था। ये ओवरऑल हमारे पूरे चैप्टर का समरी है यार, और कुछ भी नहीं है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। चार स्टेप में ना यहाँ पे बता दिया गया है कि जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है। क्लियर है सबको? ओके 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 प्रीत, क्लियर है ठीक है। तो देखो अब अभी बताना प्रीत आपको क्लियर है? देखो जीन है वो एक्सप्रेस कर रहा है ठीक है, क्यों कर रहा है? कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है प्रीत? अभी समझ आ रहा है आपको? ओके सुनीता ठीक है।
तो अब ना देखो, हम एक यहाँ पे ना जो भी सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं, एक मॉडल होता है लेक ओपेरॉन, जो हमें मेनली यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे लेक ओपेरॉन का क्या मतलब है? लेक का मतलब है यहाँ पे लेक्टोज, ठीक है। तो ये कैसे फंक्शन करता है, क्या करता है, वो हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो एक ई कोलाय, आप बैक्टीरिया आपको पता है, ठीक है, ई कोलाय क्या करता है, हम यहाँ पे लेक ओपेरॉन का एग्जाम्पल लेके करने वाले हैं सब कुछ। तो देखो क्या हो रहा है, पूरी कहानी ना ध्यान से सुनना। देखो ई कोलाय जो होता है वो क्या सिंथेसाइज करता है, क्या सिंथेसाइज करता है, ई कोलाय सिंथेसाइज करता है एक एंजाइम, और वो एंजाइम कौन सा है बताओ? बीटा गैलेक्टो साइडेज, क्लियर है। तो ई कोलाय ने ये एंजाइम क्यों बनाया, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्यों बनाया, इसको बी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ये करता है लैक्टोज को कन्वर्ट करता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर, क्लियर है, क्लियर है। ये सब्सट्रेट का काम करता है यार, बीटा गैलेक्टोज मतलब ये लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, ठीक है, क्लियर है सबको। तो अब क्या, हाँ राइट, हाइड्रोलाइसिस करके, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो इफ बैक्टीरिया डोंट हैव लैक्टोज, ठीक है, अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज ही नहीं है तो क्या इसकी जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी यार। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है बीटा गैलेक्टोसाइडेस की, क्योंकि लैक्टोज को कन्वर्ट करना है। पर अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज है ही नहीं तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्लियर है। इफ बैक्टीरिया डोंट हैव लैक्टोज सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ बीटा गैलेक्टोज, ठीक है, क्लियर है। और ये क्यों बना है, और बैक्टीरिया फिर लैक्टोज को भाई कर रहा है, चलो कन्वर्ट कर रहा है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, क्यों कर रहा है? क्योंकि बैक्टीरिया इनको यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसको जो बैक्टीरिया को है ना एनर्जी यहीं से मिलती है, यूज देम एज सोर्स ऑफ एनर्जी, क्लियर है। अभी राइटिंग सबको समझ आ रही है? प्रीत आपको क्लियर है राइटिंग? अभी भी नहीं दिख रहा प्रीत आपको? अभी दिख रहा है बेटा? अभी तो सबसे डार्क कर रखा है। पहले कंफर्म करो यार, राइटिंग समझ आ रही? नहीं आ रही है राइटिंग? एकदम क्लियर है, थिकनेस एकदम क्लियर है, क्लियर है ना? थोड़ी थोड़ी इफ्रा इज सेइंग नॉट क्लियर। ठीक है, रीडेबल, ओके ओके, नाइस वर्ड पार्ट, ठीक है। तो अब देखो प्रोकैरियोट्स, तो देखो आपके लिए अब क्या कर लेते हैं, और अच्छे अच्छे से लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है ना, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, अभी हमने ये देखा इसके अंदर एंजाइम बैक्टीरिया के बारे में, पर प्रोकैरियोट्स में ना कुछ और ही सीन होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्री डोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखो क्या लिखा है प्रोकैरियोट्स में क्या हो रहा है, रुको मैं पहले ये पूरा फ्लो चार्ट ही बना देती हूँ। इन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट आरएनए पॉलीमरेज़ इंटरैक्ट विथ डिफरेंट प्रोटीन। देखो समझ आ रहा है किसी को क्या लिख रही हूं मैं?
दीज मॉलिक्यूल एक्ट दीज प्रोटीन एक्ट एज। देखो राइट अंजलि, देखो अप्रोकेट्स में क्या होता है, कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज अ प्रोडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, अगर जब हम ट्रांसक्रिप्शनल के बारे में हमने शुरू किया तो हमने ये पढ़ा था वो कैसे शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, कैसे शुरू होगा। तो देखो कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, यहाँ पे ना एक साइट होती है, हमने पढ़ा था एक कोई साइट होती है, वहां से ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा उस साइट से, हमारा जीन एक्सप्रेशन भी शुरू होगा, तो वो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है। ठीक है, तो वो कैसे शुरू हो रहा है, वो साइट पे क्या करता है, हमने बताया था, पढ़ा था कि आरएनए पॉलीमरेज वहां पे आके बाइंड करता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बनाता है, ये हम पढ़ चुके थे अभी तक, है ना। तो जब डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बनते हैं तो वो प्रोटीन बन क्यों रहे हैं, हमने अभी ट्रांसलेशन तक पढ़ लिया था कि भाई प्रोटीन बन गया है, तो प्रोटीन बन के कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, वो बन के कहीं तो जा रहा होगा, कुछ तो काम कर रहा होगा। तो वो प्रोटीन बन के काम करता है, या तो वो एक्टिवेटर का काम करता है या फिर रिप्रेसर का काम करता है। क्या करता है, एक्टिवेटर मतलब वो पॉजिटिवली एक्ट करता है और रिप्रेसर मतलब वो नेगेटिवली एक्ट करता है, यानी कोई भी फंक्शन को बंद करना है उसका मतलब रिप्रेसर, बंद करवा दिया, और एक्टिवेटर मतलब चालू करवा दिया। क्लियर है सबको? ठीक है, तो प्रोटीन ना कोई भी फंक्शन को, कोई भी जीन का एक्सप्रेशन है, कोई भी हमें फंक्शन शो करना है उसको बंद या चालू करवा रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या होता है, देखो प्रमोटर आएगा, आएगा समीर अभी आएगा, आएगा। ठीक है, प्रमोटर रीजन, अपन ने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब आपका समीर आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, देखो प्रमोटर रीजन होता है जहां से सारी चीजें शुरू होती है। ठीक है, तो वो कैसे शुरू होता है, वहां पे अगर कोई आके प्रमोटर बाइंड कर गया है कोई आके, तो वहां पे चीजें एक्टिवेट कैसे कर रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया वहां पे प्रोटीन आके बाइंड करेगा और पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है, मतलब जो पूरा प्रोसेस शुरू हो रहा है ना वो होगा। तो आप एक याद रखो, एक पहले जो सीक्वेंस होती है उसको कहते हैं हम प्रमोटर, जहां से पूरा ये प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, फिर प्रमोटर के जस्ट एडजेसेंट बगल में होता है हमारा ऑपरेटर। ठीक है, फिर प्रमोटर पे आके बाइंड किया और ऑपरेटर से मतलब वो पूरा ऑपरेशन शुरू हो गया। ठीक है, तो ऑपरेटर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर बाइंड टू रिप्रेसर प्रोटीन। अभी हम उसमें पढ़ेंगे कि जो ऑपरेटर है ना, देखो जो प्रमोटर के बगल में ये जो ऑपरेटर है, इसकी कुछ सीक्वेंस होती है जो रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करती है। रिप्रेसर प्रोटीन मैंने आपको पीछे बताया है, तो ये क्या होता है, लेक ऑपेरॉन में कौन सा रिप्रेसर होता है, क्या प्रोमोटर है, क्या स्ट्रक्चरल जीन है, ये अभी हम पूरा डिटेल में देखेंगे पूरा प्रोसेस। अभी मैं जनरल जनरल छोटी छोटी आपको नॉलेज दे रही हूँ ताकि हम पूरा प्रोसेस ना एक साथ पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो अब हम प्रोसेस पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब हम लेक ऑपेरॉन को ना डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना ये दिया था फ्रेंकोइस जेकॉब, एंड ये एक साइंटिस्ट थे और एक बायोकेमिस्ट थे, ये जेकॉब मोनोड, जिन्होंने ये लेक ऑपेरॉन का मॉडल दिया था। क्लियर है? ठीक है, तो ना देखो अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, अब वैसे आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, पहले आप समझना। पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटर
जी, तो इससे क्या समझ आया कि जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है वो किससे रेगुलेट होता है? प्रमोटर से और रेगुलेटर से। जो स्ट्रक्चरल जीन है वो दो चीजों से रेगुलेट हो रहा है, एक है प्रमोटर और एक है रेगुलेटर जीन। तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को कहा गया है ओपेरॉन। ये ओपेरॉन कुछ और नहीं है, जो समीर का क्वेश्चन था वो यही है, एक अरेंजमेंट जिसके अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन है वो कंट्रोल करता है एक प्रमोटर और रेगुलेटर जीन। तो यहाँ पे प्रमोटर क्या है, रेगुलेटर जीन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन क्या है और इसका फंक्शन क्या है, वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ओपेरॉन हमें पता पड़ गया कि ओपेरॉन इस अरेंजमेंट को कहते हैं। तो जैसे ओपेरॉन फिर बहुत सारे हो जाते हैं, तो जैसे ओपेरॉन हो जाता है लेक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफाइटॉन ओपेरॉन, ओरा ओपेरॉन, बहुत सारे नाम के ओपेरॉन होते हैं यार। हमें ना सिर्फ यहाँ पे लेक ओपेरॉन के बारे में पढ़ना है, बाकी सारे फालतू ओपेरॉन है। ठीक है, सभी समझ आई ये ओपेरॉन वर्ड कहाँ से आया, और लेक ओपेरॉन मतलब लैक्टोज ओपेरॉन। ठीक है, तो ओपेरॉन क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, और लैक्टोज का, तो लैक्टोज का फंक्शन क्या हो रहा है वो अब हम देखने वाले हैं। तो अभी सबको क्लियर है ना, सबसे पहले तो ये लोगों को पता ही नहीं होता लैक ओपेरॉन होता क्या है, लोग बस याद कर लेते हैं यार स्ट्रक्चरल जीन है एक्स वाई जेड है, बस इसको रटते चलो रटते चलो रटते चलो, ओपेरॉन का मतलब कोई नहीं बताता। तो मैंने आपको बता दिया ओपेरॉन आया भी क्या, एक अरेंजमेंट, और अब हम लैक्टोज के बारे में, लैक्टोज में उसमें कैसे काम कर रहा है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो तो अब क्या होगा, ये जो लैक एपोरॉन है, ये जो लैक ओपेरॉन है ना, इसके अंदर तीन चीजें हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको एक रेगुलेटरी जीन के बारे में, ठीक है, अभी अपन ने देखा था। तो एक रेगुलेटरी जीन होगा, यहाँ पे लिख देते हैं वन रेगुलेटरी जीन, क्लियर है। फिर आएगा थ्री स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, क्लियर है, सॉरी तीन नहीं, यहाँ पे दो ही होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो दो चीजों में डिवाइड किया अपन ने, लैक ऑपेरॉन को यानी लैक्टोज ऑपेरॉन को, एक रेगुलेटरी जीन है और एक तीन स्ट्रक्चरल जीन है। तो बेटा रेगुलेटरी जीन लैक ऑपेरॉन में कौन सा है, वो है आई जीन। कौन सा है, आई जीन। तो आई जीन का क्या काम है यहाँ पे, इनहिबिटर मतलब बंद करना काम को, यानी ये कैसे काम करेगा, रिप्रेसर की तरह काम करेगा, क्लियर है सबको। फिर तीन स्ट्रक्चरल जीन है, तो तीन स्ट्रक्चरल जीन कौन से, एक्स वाई और ए। तो इन सबके तीनों के अलग अलग फंक्शन है। यहाँ पे जेड का क्या फंक्शन है, इट विल कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है। फिर क्या करता है, अपन ने पढ़ दिया था बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज को कन्वर्ट करता है गैलेक्टोज और शुगर में। तो ये वाला काम, सॉरी ग्लूकोज में, ये वाला काम जेड का हो गया। वाई जो है वो क्या करता है, परमियोज है वाई, मतलब भाई बीटा गैलेक्टोज बन तो गया, उसने सारा काम कर लिया, पर उसकी सेल के अंदर परमिएबिलिटी कौन बढ़ाता है, परमियेज जो कि वाई है, इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सेल इन टू बीटा गैलेक्टेज। ठीक है, और ए क्या कर रहा है, मोड फॉर ट्रांस एसीटाइलेज, क्लियर है। अभी हमने एक रेगुलेटरी जीन के बारे में देख लिया है और तीन स्ट्रक्चरल जीन के बारे में देख लिया, जिसके बारे में अभी तक हम इतनी देर से बात कर रहे थे। ठीक है, देखो ये रहा रेगुलेटरी जीन और ये रहा स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पे रेगुलेटरी जीन में देख लिया आपने, आई जीन यानी क्या कर रहा है, इनहिबिटर यानी रिप्रेसर। तो अब देखो कहानी ना यहीं से आगे चलेगी, रिप्रेसर से क्या करेगा ये देखो, सिंथेसाइज फ्रॉम, जो रिप्रेसर है वो, जो आई जीन है ना वो कंटिन्यूअसली बनता रहता है, कंटिन्यूअसली मतलब लगातार नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप, जैसे समीर में को नॉन स्टॉप असिस्ट करता रहता है ना, वैसे ही नॉन स्टॉप आईजीन लगातार बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा। ठीक है, अब क्या करता है, ये ऑपरेटर से जाके बाइंड करता है, लगातार बन रहा है भाई, लगातार बाइंड बन रहा है
और जाके क्या करता है, ऑपरेटर से बाइंड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट विल प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। ये इनहिबिटर है, इनहिबिटर जाके जुड़ चुका है वहां पे लगातार, और जिसकी वजह से वो ऑलरेडी जाके जुड़ चुकी है यार एक चीज, तो आरएनए वहां पे आके जुड़ नहीं पाता, आरएनए आके वहां पे जुड़ नहीं पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, क्लियर है। तो इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, और यहाँ पे इंड्यूसर मतलब शुरू करने वाला कौन है, लैक्टोज, तो अगर वहां पे लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, रिप्रेसर, रिप्रेसर कौन है, रिप्रेसर कौन है, देखो यहाँ पे ये रहा रिप्रेसर, ठीक है, ये जो रिप्रेसर है आईजीन जो कंटिन्यूसली बन रहा है, रिप्रेसर गेट इनएक्टिवेटेड, तो क्या हुआ, लैक्टोज आया और उसने क्या किया, उसको इतनी जोर से लात मारी कि उसके हाथ पांव टूट गए आईजीन के और वो इनएक्टिव हो गया। अब वो लगातार नहीं बन पा रहा और वहां पे जो साइट खाली हो चुकी है, यानी मैंने क्या बताया, पहले आईजीन जाके जुड़ रहा था, कंटिन्यूअसली बन रहा था, तो जिसकी वजह से आरएनएस पे आके जुड़ नहीं पा रहा था और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा था। अब लैक्टोज को आया गुस्सा, उसने मारी आईजीन को लात और बोली तू हट, और उसने उसके हाथ पांव तोड़ दिया और उसको बना दिया इनएक्टिव, ठीक है, तो लैक्टोज ने उसको इनएक्टिव बना दिया है, तो यानी अब आईजीन बन नहीं पा रहा, वो जगह खाली हो गई, तो क्या होगा, क्या होगा, अलाउ आरएनए पॉलीमरेज, अब आरएनए पॉलीमरेज खुश हो गया, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज खुश हो गया, यानी अलाउ आरएनए पॉलीमरेज टू एक्सेस टू प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन, तो वहां पे वो प्रमोटर की तरह काम करेगा, जाके जुड़ेगा और ट्रांसक्रिप्शन का अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेगा, क्लियर है सबको। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसाइज्ड बाय इट्स सबस्ट्रेट, तो अभी कैसे सारे के सारे काम किए, आपको क्लियर हुआ, समझ आया। परमिएबिलिटी मतलब बेटा घुसना, कि वो उसके अंदर कोई चीज घुस कितने आराम से पा रही है, ठीक है, समझ आया। तो रुको एक सेकंड, मैं आपको ये डायग्राम से भी क्लियर करती हूँ, एक मैं डायग्राम भी दिखा देती हूँ आपको, अभी मैं आपको ऐसे डायग्राम भी एक्सप्लेन कर दूंगी ना, तो फिर आपको एकदम आगे के लिए भी क्लियर हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे लैक्टोज ने उसको धक्का मार के निकाल दिया है बिल्कुल, और आईजीन अपना काम ही नहीं कर पाया, ठीक है। या मेरे को ऐसा लगता है ना, लैकोपेरॉन बच्चे याद ही करते रहते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ना रट लेते हैं, उसको समझ नहीं आ पाता है, बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो अच्छे से समझना इसे, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है बट समझ आ जाएगा क्योंकि आपको मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया है। तो देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये जो डायग्राम, ये है लैक ओपेरॉन का डायग्राम, किसका है, लैक ओपेरॉन का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो अपन ने अभी तक पढ़ा था रिप्रेसर, ये है आईजीन, ये है प्रमोटर, ये है ऑपरेटर, तो देखो ये है रिप्रेसर, ठीक है, तो यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, आईजीन कंटिन्यूअसली वो बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता बनता जा रहा है, तो रिप्रेसर एमआरए रिप्रेसर की तरह काम करता है, और ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे जाके बाइंड कर जाता है, ठीक है, यहाँ पे जाके बाइंड कर गया, तो क्या होगा, रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर रिकॉग्नाइज एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फॉर ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरॉन। भाई जब ये यहाँ पे जाके बाइंड कर चुका है तो ये जगह खाली नहीं बची, तो आरएनए यहाँ पे आके जोड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं पाता, ठीक है, पर लैक्टोज था नहीं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गया भैया इंड्यूसर यानी लैक्टोज, तो क्या हुआ, आईजीन तो बन रहा है, आईजीन तो बन रहा है, ये देखो बना है ये रिप्रेसर, पर ये आके जुड़ गया है इससे, इसने इसको मारा धक्का और क्या हुआ कि ये हो गया है इनएक्टिव, ये हो गया है इनएक्टिव, ठीक है, तो अब ये वाली जो साइट है,
ये साली जो साइट है ये हो गई है खाली, और यहाँ पे अब आरएनए अपना आके जुड़ गया है और अपना ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है। और फिर जो 3 जीन है ये अपना काम दिखाते हैं ट्रांसक्रिप्शन करके, फिर ट्रांसलेशन करते हैं। क्लियर है सबको कैसे ये पूरा प्रोसेस हुआ है? समझ आया? 1 सेकेंड रुकना आप। हाँ तन्नू बोलो बोलो बोलो। ठीक है रिपीट कर दो बेटा। बेटा देखो क्या हो रहा है, देखो लय कपूर में कुछ नहीं हो रहा है, बहुत सिंपल सॉर्टेड सी कहानी है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ जिस जिसको समझ नहीं आया है। ये देखो बेटा क्या होता है कि आई ये जो दिख रहा है ना आई आई जीन ये लगातार बनता जाता है, इसके पास कोई काम नहीं है, लगातार बनता जा रहा है बनता जा रहा है बनता जा रहा है। और क्या कर रहा है ये लगातार बनने की वजह से ये जाके ना ऑपरेटर साइट ये साइट पे जुड़ता जाता है जुड़ता जाता है। अब बेटा इसी साइट से ना सब कुछ शुरू होती है कहानी इस साइट पे जाके, पर यहाँ पे जुड़ गया है तो जिसकी वजह से क्या होगा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जाके बाइंड नहीं हो पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सारा प्रोसेस वहीं रुक जाएगा क्योंकि आरएनए पॉलीमर एक चीज ही जुड़ सकती है एक चीज से, ये आपको पता है ना। तो आईजीन अगर यहाँ पे जुड़ गया तो आरएनए कैसे जुड़ेगा, आरएनए नहीं जुड़ा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। पर अब जो लैक्टोज है वो क्या करता है, आईजीन लगातार बनता तो जा रहा है पर अगर लैक्टोज अगर आ जाता है तो वो क्या करता है इसको लात मार के इनएक्टिव कर देता है आईजीन को, और बोलता है कि तू निकल यहाँ से, और उसको इनएक्टिव कर देता है। जिसकी वजह से क्या करता है ये जो आईजीन है वो ऑपरेटर ये वाली जो साइट है ना यहाँ पे बाइंड कर ही नहीं पाता और ये जगह खाली रह जाती है, तो आरएनए अपना मौके पे चौका मार देता है और वो यहाँ पे जाके जुड़ जाता है जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। बस इतनी सी कहानी है। क्लियर है तनु? ठीक है। तो हम इस कहानी से क्या सीखे, हम इस कहानी से ये सीखे कि यहाँ पे जो मेन किरदार है वो किसने निभाया, लैक्टोज ने निभाया। भाई आईजीन तो फालतू इंसान है, वो तो तब भी बन रहा था बाद में भी बन रहा था, पर जो मेन कहानी है कि क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं होगा वो किसने निभाया, लैक्टोज ने। जब तक लैक्टोज नहीं था आईजीन अपनी मन मर्जी कर रहा था, लैक्टोज आया उसने उसको लात मारा और भगाया। तो लैक्टोज रेगुलेट ऑन एंड ऑफ मतलब चालू और बंद ऑफ ओपेरॉन। ओपेरॉन मैंने बताया यही जो स्ट्रक्चर देखा ना अपन ने, जो अरेंजमेंट स्ट्रक्चर और इसका ये जो अरेंजमेंट है लैक्टोज का और ओपेरॉन अरेंजमेंट है, और वो लैक्टोज की जिसमें कहानी पूरी चल रही है। तो यहाँ पे क्योंकि ये इंड्यूसर का काम करता है। क्लियर है सबको? सबको पूरा लैक ओपेरॉन अच्छे से दिमाग में बैठ चुका है? इतनी सी कहानी मैम की जुबानी, राइट इफ्रा? हाँ तो यहाँ पे हीरो कौन है, लैक्टोज, यानी लैक्टोज हमारे पापा है, जैसे जो पापा चाहते हैं वही करते हैं। कि मतलब जैसे है ना मानो कि पार्थ अपने घर में कुछ ही कर रहा था, इधर उधर घूमे जा रहा था, मन मर्जी कर रही थी, जहां जाके बैठा था पापा आए, पापा को गुस्सा आ गया पार्थ के, पापा ने क्या किया बेटा तू तो निकल तेरा बहुत हो गया। उसके पापा ने पार्थ को ऐसी की तैसी कर दी है। अब पार्थ चुपचाप से हट चुका है कि पापा कोई बात नहीं आप आके बैठ जाओ सोफे पे, आप अपना काम करो मैं नहीं बैठ रहा। तो बस लैक्टोज यहाँ पे पापा है और आईजीन यहाँ पे पार्थ है। क्लियर है सबको? ऐसे याद रहेगा, कोई भूलना नहीं अब है ना।
है ना, पूरा का पूरा लेट तो गया समीर, उसको सुला मत देना बस। हाँ आइजीन विलन है, ठीक है, और लैक्टोज हीरो है। तो क्या है, लैक्टोज इज हीरो और आइजीन इज विलन, क्लियर है, याद रहेगा। लैक ओपेरॉन आपको बोलना नहीं चाहिए, कोई गलती नहीं करना चाहिए। लैक ओपेरॉन पता है मेरे को ऐसा लगता है, मेरे टाइम में मुझे बहुत हार्ड लगता था, मुझे कभी नहीं समझ आया था मेरे टाइम में, बट ठीक है मैंने आपको समझा दिया। हाउ अबाउट इज हीरोइन, यार हीरोइन तो ऐसा था कि हीरोइन 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 तो कुछ नहीं यार, ये जो तीन जो शेखी मार रहा है फालतू की, ये जो तीन जने शेखी मार रहा है ना, ये जिनका कोई रोल नहीं है, ये जेड वाई ए, और जेड वाई ए को हीरोइन ले लो यहाँ पे, जेड वाई ए जिनको कोई नोटिस भी नहीं कर रहा, ये है हीरोइन, ठीक है, क्लियर है। इनका काम है बस शेखी मारना, इनको कोई नहीं, लड़ाई क्योंकि आपस में हीरो और विलेन की होती है, हीरोइन बस बीच में आके अपना रोल किरदार निभा के चली जाती है, मेन जो लड़ रहे हैं वो है हीरो और विलेन, ठीक है, हीरोइन भी समझ आ गया। हाँ वही 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 जेड वाई ए के, जेड वाई तो ट्रांसक्रिप्शन कराएगा ना, तो ट्रांसक्रिप्शन होने देंगे नहीं होने देंगे वो डिसाइड करेंगे हीरो या विलेन। अगर विलेन जीत जाता है, हाँ देखो अगर विलेन जीत जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, अगर हीरो जीत जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्लियर है सबको। अब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन है कि ट्रांसक्रिप्शन होने देना है नहीं होने देना है, समझ आ गया ना हर्ष, ठीक है, अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसके बाद हमारा आता है, हाँ इसके बाद ना, अब तो बहुत ज्यादा छोटर मोटर सी चीजें हैं अभी तक के, मतलब सारा जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, अब तो बहुत इतना छोटर मोटर है कि मतलब आपको बताऊं मैं कि मैं यहाँ पे चैट खोल लेती हूँ एक मिनट। हाँ, राइट, अब ना अपन उसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब जैसे देखो उसको बारे में इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन इतना नहीं आता, बट आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, वो आप खुद पढ़ना, आपको भी समझ आता है। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है भाई, ये प्रोजेक्ट क्या है, कि आपको वो फाइल में 4 पन्ने का ए4 साइज का प्रोजेक्ट बनाने के लिए दी थी, कि ये वो प्रोजेक्ट है, नहीं ये वो प्रोजेक्ट नहीं है यार, ये बहुत मतलब हार्ड प्रोजेक्ट है, आप जैसे कुछ इंटेलिजेंट बच्चे ही कर पाते हैं इनको, तो इसके अंदर क्या होता है कि है ना, तो इस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि यार अपन ने इतनी कहानी पढ़ ली, क्यों पढ़ी इतना माथापच्ची, क्योंकि यार डीएनए की वजह से, ठीक है, डीएनए का अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, कि एक इंसान अलग इंसान से कैसे अलग हो रहा है, उनका अरेंजमेंट क्या हो रहा है, ठीक है, डीएनए की सीक्वेंस क्या है। आप जैसे बोलते हो कि केसरी का और पिंकी का दोनों का ना फिंगरप्रिंट अलग है, क्यों, क्योंकि उनके डीएनए की सीक्वेंस अलग है, जैसे किसी में केसरी के बाद 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो पता पड़ा इफ्रा के बाद सीधा 1 के बाद 4 आ जा रहा है, जो डीएनए की सीक्वेंस है ना वो अलग है। तो इन सीक्वेंस की स्टडी हुई, इन सीक्वेंस की स्टडी करने के बाद कितने कितने बेस पेयर है उसके अंदर, कैसे बेस पेयर्स को स्टडी करना है, ठीक है, इतने सारे बेस पेयर को एक साथ कैसे स्टडी किया जाए, फिर उसका डेटा एनालाइज कैसे किया जाए, उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाए, और ना इतनी सारी चीजें उसको बुक के अंदर ना रख के, इतनी सारी चीजों को अगर अपन बुक में लिखते रहे तो बहुत सारे पेजों का यूटिलाइजेशन होगा, तो वह सारी चीजें ना करके एक कंप्यूटर के फॉर्म में उसको, क्या डेटा के फॉर्म में उसको दे दिया जाए, तो ये सारी चीजें ना बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है बेटा, अगर आप करना चाहो ना तो आप ये आगे कर सकते हो, कि एक स्टडी होती है, स्टेट्स वगैरह आपको इसके अंदर देखना पड़ता है, मतलब आपकी थोड़ी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, आगे आप रिसर्च वगैरह में भी जा सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, तो थोड़ा बीएससी करनी होगी, फिर एमएससी करनी होगी, पीएचडी करनी होगी, बहुत अच्छी फील्ड है, मतलब थोड़े जीनियस लोग ही कर पाते हैं, तो आप थोड़ा बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में भी सर्च करना है ना, ठीक है। अभी देखो लोग पढ़ा तो देते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, पर ये नहीं बताते एक फील्ड होती है, तो आप इसके अंदर ना आगे जाके रिसर्च वगैरह भी कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा मतलब क्रेजी चीज हो जाती है, तो इसके बारे में भी रिसर्च करना, मैंने आपको एक नया वो भी बताया, ठीक है। तो इसके अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लोग क्यों कर रहे थे, कि यार मतलब जीन्स कैसे कैसे अरेंज है वो देख पाए, ठीक है, जो सीक्वेंसेस हैं वो कैसे अरेंज्ड है वो, तो ये डेटाबेस को कैसे इन्फॉर्म कर, जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे स्टोर करना है अपन को, नई नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए हम फालतू बैठे हैं, नई नई अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी बनाओ, हम इस सारी चीजों के लिए ना ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया,
है। और ये यार ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, एक दिन की कहानी नहीं है कि हम आज A4 साइज लाए, पन्ने में कलर भरा और खत्म। ये प्रोजेक्ट 13 साल का प्रोजेक्ट था, ठीक है? कितने साल का प्रोजेक्ट था? 13 साल का प्रोजेक्ट था। और ये प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं यार, इस प्रोजेक्ट को करने में ना बहुत अलग अलग मेथड लगे थे यार, अलग अलग मेथड अपनाए गए थे। जैसे एक मेथड है ना, मतलब मेजरली जो मेथड अप्लाई किए गए थे ना, वो थे एक तो जिसके अंदर एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग आपने पढ़ा होगा, ठीक है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ठीक है? एक वो मेथड अप्लाई किया गया था, और दूसरा जिसके अंदर ना कोडिंग और नॉन कोडिंग जो सीक्वेंस अपन ने पढ़ी थी, कोडिंग नॉन कोडिंग जो सीक्वेंस थी, उनको असाइन किया गया था, और उनका पूरा सीक्वेंस दिया गया था उनको कि एक के बाद क्या आएगा, एक के बाद क्या आएगा, जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशंस, ठीक है? तो दो मेथडोलॉजी थी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग की, मतलब कोई भी जो है ना जो सीक्वेंस है उनको टैगिंग की गई थी, और दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है? और यार कुछ नहीं किया गया था इसके अंदर, बहुत सारे ना बहुत सॉर्टेड है कि जो दो चीजें थी, एक BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और एक होता है YAC जिसको बोलते हैं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इनको ना वेक्टर की तरह यूज किया गया था, DNA को अटैच किया, इधर से उधर डाला। तो आप एक बार बस इसको गो थ्रू कर लेना, ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एक नॉलेज होना चाहिए कि यार 13 साल का प्रोजेक्ट था, इसलिए काम में आता था, इसके गोल्स ये थे, दैट्स इट, ठीक है? क्लियर हो रहा है? फिर इसके अंदर कुछ नहीं था कि वही कोडिंग कर रहे हैं, एक को जी यू से मिला रहे हैं, टी को इससे मिला रहे हैं, जी को सी से मिला रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, डेटा फॉर्म में डाला जा रहा है, क्रोमोसोम मिलाए जा रहे हैं, DNA मिलाया जा रहा है, ठीक है? बस यही सारी चीजें थी। फिर इसके ना NCERT में ना इसके साइलेंट फीचर्स करके एक चीज दे रखी है, जिसके अंदर कुछ मेरे हिसाब से 8 7 8 9 कुछ ऐसे करके 9 9 इसके साइलेंट फीचर्स हैं जो आपको देखने होंगे, है ना? हाँ, राइट अंजलि, ठीक है? तो वो आपको देखना है, एक वो देख लेना, बस गो थ्रू करना है यार। ये मतलब जैसे अपन बोर्ड है ना, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि 9 के 9 उसके साइलेंट फीचर्स लिखो, पर अभी अपन कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक बार बस उसको गो थ्रू कर लेना, कि एक बार आंखों की नजरों के सामने से निकल जाना चाहिए, जिससे SNP क्या होता है, फुल फॉर्म आ जाए कि भैया SNP क्या होता है। तो SNP होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म का क्या काम है, कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो कोई मुझे बताएगा पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है एग्जैक्टली? सिंपल सी लैंग्वेज में मुझे कोई बताएगा? देखो मैं बताती हूँ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कि मतलब देखो कोई भी म्यूटेशन हो रहा है, लाइक ना कोई भी चीज में, मैंने आपको बताया था हमने पहले वाली कहानी में म्यूटेशन काफी पढ़ चुके हैं, तो कोई भी म्यूटेशन हो रहा है, तो कोई भी जो म्यूटेशन पेरेंट्स से इनहेरिटेबल जो म्यूटेशन है, जो काफी तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो इवोल्यूशन है वो देखने को मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या? म्यूटेशन जो हो रहा है, जो कि काफी तेजी से हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? अब देखो मतलब ये म्यूटेशन वगैरह हो रहा है तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, हमें इवोल्यूशन कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहा है, तो ये सारा इवोल्यूशन हम कैसे स्टडी कर रहे हैं, इन्हीं सारी चीजों की वजह से स्टडी कर पा रहे हैं हम। क्लियर है सबको? राइट साक्षी, फिर ना एक वो टेक्निक भी थी जिसके अंदर ना DNA को सेपरेट किया जाता है। यार पता पड़ा आप किसी क्रिमिनल के घर पे पहुंच गए, वो CID वाले पहुंच गए, वहां से वो जो डॉक्टर साहब है, वो है ना क्या नाम है, डॉक्टर सालूके, सालूके, हाँ डॉक्टर सालूके, वो उठाते रहते हैं DNA सब जगह से। अब वो DNA उठा के तो लिया है, अब उस DNA का क्या करेंगे, घर में प्लेट में रख के तो खाएंगे नहीं उसको, तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा वो साक्षी का DNA कि अंजलि का DNA है, कि वो मर्डर कौन है, मर्डर सुप्रिया है कि मर्डर तन्नू ने किया है। वो पता करने के लिए जो डॉक्टर सालू के है वो क्या करेंगे, जो DNA है उसको सेपरेट करेंगे, और वो कौन सी टेक्निक से सेपरेट करेंगे, वेरिएबल एक सदन ब्लॉट टेक्निक होती है, जो आप देखोगे वो चौकोर चौकोर से, स्क्वायर स्क्वायर से, अलग अलग येलो येलो कलर के ना वो फिंगर क्रोमोसोम बने होते हैं, ठीक है?
तो उस टेक्निक से क्या करते हैं कि एक जगह ना डीएनए को डाला जाता है, फिर उसका क्या किया जाता है कि देखो आइसोलेशन ऑफ डीएनए करवाना है, ठीक है। तो पहले क्या किया जाता है, एंडोन्यूक्लियस डाल ले जाते हैं, जिसकी वजह से एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं आरएनए का डाइजेशन, उसका सॉरी डीएनए का डाइजेशन कर लेते हैं, क्लियर है। तो अब डीएनए फ्रेगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, जिसकी वजह से डीएनए सेपरेट हो चुका है। फिर ट्रांसफरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉटिंग, कि मतलब डीएनए सेपरेट तो हो चुके हैं, तो अब उसको क्या करते हैं बाहर निकाल लिया जाता है, क्लियर है। फिर जो बाहर निकाला उसके बाद क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, और वीएनटीआर प्रोब उसकी लेबलिंग की जाती है, वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है, क्लियर है। और फिर सब ऐसी कहानी चलती जाती है, फिर पता पड़ जाता है यार मर्डरर असली में कौन किया है कौन नहीं किया है, ठीक है। तो शॉर्ट में देखो अंजलि ने बता दिया 3 स्टेप में हो रहा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग, हाइब्रिडाइजेशन। तो एक बार इसको बस गो थ्रू कर लेना, बहुत इजी है, इसमें ऐसा जितना ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्लियर हो चुका है सबको, किसी को और कोई कंफ्यूजन है? बायोलॉजी देखो बच्चा, आपको ना एमएससी बीएससी करनी होगी, जिस भी फील्ड में आपको करना है ना, तो आपको उस फील्ड में पहले बीएससी करनी होगी, फिर एमएससी करनी होगी, और फिर पीएचडी करनी होगी, ठीक है। मेरे को तो लगता है ना आज के टाइम में, मैं आपको सच बताऊं कि ये बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, लाइक नो डाउट बहुत अच्छी चीज है ये। क्या हो गया, क्या बोल गया ये समीर, तुझे तन्नू शरीफ क्यों लगती है? अच्छा नाइस, मैं बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ ये बोल जूबिया बहुत एक्यूरेट क्वेश्चन करती है, तू बात एकदम पकड़ती है, मैं पहले बता रही हूँ। देखो बीएससी करो, बीएससी के बाद एमएससी, एमएससी के बाद पीएचडी, जो भी होता है एक फील्ड में होगा, कोई भी एक फील्ड पकड़ लो यार, जूलॉजी पकड़ लो, बॉटनी पकड़ लो, आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जाना है तो बायोटेक्नो, बहुत सारी चीजें जैसे बायोटेक्नोलॉजी पकड़ लो, जेनेटिक्स पकड़ लो, क्या आप अगर चाहो, आप में से अगर कोई केमिस्ट्री में बहुत इंटेलिजेंट है, अगर कोई केमिस्ट्री में बहुत इंटेलिजेंट है तो आप केमिस्ट्री में करो यार, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, इससे तो बेस्ट कुछ नहीं है। आपके पास मल्टीनेशनल्स कंपनीज आएगी आपको हायर करने के लिए, बैठना एक केबिन में, टेबल में, एसी वाले रूम में, मजा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है मेरी बात, क्या आपस में लड़े जा रहे हो?